बच्चों अभी हम देखेंगे 121 का वर्गमूल कितना होता है। वर्गमूल को आप कैसे लिखते हैं? अंडर रूट से लिखते हैं। और यहाँ पर हम डिवीजन मेथड यानी भाग विधि काम में लेंगे। भाग विधि में करना क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे, तो एक बच्चा जवाब दे रहा है कि सर हम दो दो अंक के जोड़े बनाएंगे। कैसे? इस तीर के निशान की दिशा में आगे बढ़ते हुए यह दो अंक का जोड़ा बन गया। अंदर में कितना? एक अंक की संख्या रहा है। कितना? एक। इस एक के लिए हम संख्या का चुनाव करेंगे। यह संख्या लेंगे हमें एक से लेकर नौ तक, जिसका खुद के साथ गुणा करने पर इस एक के बराबर या इसके नज़दीक वैल्यू मिले। तो एक है तो बिल्कुल सिंपल है। एक के लिए क्या लेंगे हम? एक गुणा एक कितना होता है? एक। एक बार इसको यहाँ ऊपर लिखना होता है। अगले स्टेप में इसको जोड़ना है, इसको घटाना है। एक में से एक गया, कुछ नहीं आ रहा है। ऊपर से जो दो अंक हमने अंडरलाइन किए उसको यहाँ नीचे ले आएंगे। फिर लगाओ दिमाग, इसके साथ कौन सी संख्या लें उसी का गुणा करें कि 21 से बड़ा ना है। एक लिया, एक का गुणा किया, कितना आ गया? 21। किसको लिया? एक को, तो यहाँ ऊपर लिख दो। फिर घटाया, जीरो आ गया। जीरो आ गया मतलब प्रक्रिया पूरी हो गई। यह जो वैल्यू बना है कितना? 1 1। ये आपका क्या है? आंसर है। तो इसको आप ऐसे आसान तरीके से समझ सकते हैं।